ये गोडसे गोलवलकर और हेडगवार के वारिस जब मौका मिलता है तो 80% हिंदुओं एक हो जाओ कहते हैं, और जब वोट लेना होता है तो ओबीसी नाम लेते हैं। मंडल कमीशन आया तो मंडल के विरोध में कमंडल लाने वाले लोग कौन थे? मंडल किसके लिए आया था भाई? और इसके मंडल के विरोध में सरकारें गिर गई। रामलीला मैदान ऐतिहासिक है, बहुत बड़े बड़े लोग यहां पर बैठे हैं, बहुत अनुभव है भाई। हमारे जैसे लोगों के पास क्या है? दिल में जो है वही जबां पे है और कोई खास बात नहीं हम में, इसलिए हम यहां सच बोल रहे हैं। और ठेके पे प्रोफेसर होने के बाद भी हम जानते हैं कि इतना बोलने के बाद कोई प्रोफेसर की नौकरी क्या ही देगा। जब झंडे वालान से तय हो जाए कि वाइस चांसलर कौन बनेगा तो हमको पता है कि हमारा सच क्या है। लेकिन मैं केवल इसलिए यह बात बोलता हूं कि मैं इस मंच पर खड़े होकर के भी वही सच दोहरा रहा हूं। कल था 6 दिसंबर और अपने पुरखों को याद करते हुए कह रहा हूं, अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं आज आजमगढ़ जैसे गांव में जाकर जिले में कहीं भैंस गाय चरा रहा होता, मैं इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कभी नहीं बन पाता। तो अपनी मेरिट के दम पर तो यहां तक आ गए और अब तुम्हारे भरोसे भीख मांग करके या झंडे वालान में घुटने टेक करके तो नौकरी मांगने नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गई, बहुत सारे लोग SC ST OBC घरों के वाइस चांसलर बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। मगर मैं याद करता हूं कि बड़े बड़े परमानेंट लोगों को कोई नहीं जानता, बड़े बड़े ओहदे पर मिनिस्टर और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को कोई वो सम्मान नहीं देता जो मुझे और इस मंच पर बैठे हुए संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मान मिलता। मुझे ऊर्जा केवल इस बात से मिलती है, ऐसे लोगों के बीच आकर के मिलती है कि हम जब आंख बंद करें तो इस बात का अफसोस ना हो कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम संविधान और मंडल कमीशन से होकर यहां पहुंचे, हमारी आंखों के सामने जब उन सीढ़ियों के एक एक डंडे तोड़े जा रहे थे तो हम खामोश नहीं बैठे थे, हम बोल रहे थे, हम जानते थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि देखो इस देश में हिंदू के नाम पर एक झूठ फैलाया गया। कोई हिंदू नहीं है भाई। अगर हिंदू है तो पहला हिंदू वो जितेंद्र मेघवाल क्यों नहीं था जिस बच्चे को मटका छूने पर मारा किसी मुसलमान ने नहीं मारा था? इंद्र मेघवाल को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, रोहित वेमुला पाल तड़वी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। और ये नमूने टीवी पर बैठकर बिकी हुई मीडिया और बिके हुए अखबार से कहते हैं कि इस देश के हिंदुओं एक हो जाओ, तुम्हारे मुसलमानों से तुम्हें खतरा है?